हाँ तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यदि अगर दो पॉइंटों पे ध्यान देना है, यदि आपके अगर शेडो लेफ्ट या राइट बन रही है, शेडो आपकी मैंने क्या कहा लेफ्ट या राइट बन रही है, तब जो इसकी फेस की डायरेक्शन होगी बेटा, क्या फेस की जो डायरेक्शन होगी वह आपकी नॉर्थ या साउथ में होगी। करेक्ट, नॉर्थ या साउथ में होगी। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी जो शेडो है आगे या पीछे अगर बने, जब आपकी फेस की डायरेक्शन आगे या पीछे बने, तब जो जब शेडो आपकी आगे या पीछे बने, तब इसकी फेस की डायरेक्शन पता है कहाँ हो जाएगी, तब इसकी फेस की डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ईस्ट वेस्ट। हाँ, ईस्ट और वेस्ट। करेक्ट, ये आपको बेसिक चीजें बिल्कुल याद में रख के बना रखनी है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान वे में कैसे सॉल्व किया जाए ना बेटा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कीजिए और पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक सुबह, हाँ एक सुबह इन मॉर्निंग, इसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग की बात की जाए, दोनों पे ध्यान रखना है कि ये सुबह का टाइम है या शाम वाला टाइम है। एक सुबह मतलब मॉर्निंग की बात हो रही, करेक्ट। एक सुबह दो दोस्त, हाँ दो दोस्त कविता और रीता, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, तो कविता का मुख किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है, फेस की डायरेक्शन। अच्छा देखिए मॉर्निंग का टाइम है, हाँ चलिए अब कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो फेस टू फेस बात करेगा ना, आमने सामने से बात करेगा, करेक्ट। चलिए कितनी बात समझ में आई, चलो पहले तो दोनों गर्ल्स जो हैं फ्रेंड इनको बात कराते हैं फेस टू फेस। चलिए एक कोई गर्ल्स इधर से बात कर रही है, अभी पता नहीं है कौन किस डायरेक्शन में है, बस दो गर्ल्स को एज्यूम कर लिया कि आपस में बात कर रही है। इसके बाद मॉर्निंग का टाइम है, करेक्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट इधर होगा, ईस्ट आपका इधर होगा, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर एंड साउथ आपका लोअर साइड में। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब ईस्ट सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है तो आपका जो सन होगा, हाँ ये आपका जो सन होगा, हाँ ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में ही तो होगा, करेक्ट। ये बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए अगर एक दो गर्ल्स है ना, कौन नाम क्या है कविता और रीता, अगर अभी पता नहीं कौन कविता है और कौन रीता है, अभी आपको ये पता ही नहीं है, और ये पता लगाने के लिए बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। चलिए आप देखिए अगर कोई गर्ल्स है, अगर ऊपर से वो देख रही है या इधर से बात कर रही है, नॉर्थ साइड से साउथ साइड की बात कर रही है, तब जो है बेटा, हाँ तब वह मैंने क्या कहा, पहले इस पे आ जाओ। अगर कोई गर्ल, ठीक है दो है, अभी नहीं पता ये रीता है कि ये कविता है, इसमें भी नहीं पता ये कविता है कि ये रीता है। अगर ऊपर को कोई जनरली कोई पर्सन जा रहा है मतलब नॉर्थ साइड, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इधर, और लेफ्ट इस साइड, करेक्ट। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तब इसका अपना लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट अपना राइट, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट और ये राइट। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इवनिंग टाइम है, तो जाहिर सी बात है इवनिंग का टाइम है तो ईस्ट साइड से ही तो सन निकलेगा, पूर्व दिशा से, करेक्ट। इसके बाद जो इसकी शैडो होगी, शैडो हमेशा परछाई हमेशा सन के विपरीत साइड बनती है, अपोजिट दिशा में, तो शैडो आपकी किधर हो जाएगी, तो बेटा आपकी जो शैडो हो जाएगी, शैडो इस साइड बनेगी, करेक्ट, शैडो इस साइड बनेगी। अब देखिए कंडीशन पढ़िए क्या लिखा है, अब आपको आंसर यहीं से मिलने के पूरी की पूरी संभावना बन गई है। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस, करेक्ट। यदि आप कहीं बात कर रहे हो मोबाइल से या सोशल मीडिया से, उसकी बात अलग है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो फेस टू फेस बात कर रही है। इतनी बात समझ में आई, आगे पढ़िए आगे क्या लिखा है। यदि इस समय कविता की परछाई, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर,
तो बाई ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है? सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? यदि इस समय कविता की परछाई, कविता की परछाई रीता के ठीक बाई ओर हो तो बताइए, ये आपका क्या है, दायां और ये बायां, करेक्ट? रीता, तब इस समय कविता की जो परछाई है वह रीता के ठीक बाई ओर हो, रीता के ठीक बाई ओर हो, तो बताइए यहां से कविता कौन हो जाएगी और रीता कौन हो जाएगी? देखिए, रीता के, हाँ, रीता के ठीक बाई ओर हो, किसकी परछाई? कविता की। हाँ, कविता, मिल गया ना क्लू जो छिपा था। यदि इस समय कविता की जो परछाई है, कविता की जो परछाई है रीता के ठीक बाई ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, समझ पाए, बाई ओर हो, तो बाई ओर क्या है? रीता। शैडो इधर ही तो बनेगी, हाँ, सन के अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, कविता आपकी ये हो जाएगी और रीता ये हो जाएगी, करेक्ट? तब आपको बताना है कि, तब आपको बताना है, अब आप फेस की डायरेक्शन बता ही सकते हैं, तो कविता का मुख किस दिशा में है? अब आप कविता का मुख किस दिशा में है, देखिए कविता का मुख किस दिशा में है? साउथ। ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब क्या कहेंगे कि सर ऐसे इतना बेसिक से करना है? नहीं, अब आपको हम बताते हैं बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, आप बताते हैं बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, ये बेसिक चीज समझ में आई, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो टाइप आपका 7 चल रहा है जिसमें आपको परछाई शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट? टू पॉइंट पे इस पे ध्यान देना आपको। पहला, जब आपकी शैडो लेफ्ट या राइट हो तो फेस आपका नॉर्थ या साउथ में बनेगा, करेक्ट? इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, शैडो अगर आगे या पीछे हो तो फेस की डायरेक्शन हमेशा आपकी, जो इसकी फेस की डायरेक्शन है, ये कैसे रफ हो गया, फेस की डायरेक्शन जो है आपका किधर बनेगी, वेस्ट और या ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट में बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास किया। चलो अब हम बताते हैं इसमें आपको बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक। चलिए वो स्मार्ट ट्रिक आपकी क्या है, वो स्मार्ट ट्रिक आपकी नेक्स्ट पेज में आपको बता दे रहे हैं, करेक्ट? चलिए इसी 41 नंबर क्वेश्चन को, 41 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करके आपको और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, किससे, ट्रिक के माध्यम से, जो कि यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए, इसमें आपको सन का लेफ्ट या राइट करना है, हैशटैग सन का, सन का, मैंने क्या कहा, इसमें आपको सन का लेफ्ट या राइट करना है, सन का लेफ्ट या राइट, आपकी फेस की डायरेक्शन निकल आएगी, क्या फेस की डायरेक्शन, ये बात समझ में आई, ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है, क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको सन का लेफ्ट राइट करके चलना है। अब आगे इसमें क्या करेंगे, आगे इसमें बेटा आप ये करेंगे कि सन जो है आपका इवनिंग निकलता किधर से, आप बोलेंगे ईस्ट साइड से, और अस्त किधर होता है, आप बोलेंगे वेस्ट साइड में, करेक्ट? सन बोलने का मतलब है ईस्ट और वेस्ट, करेक्ट? और ये ईस्ट और वेस्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, देखिए ईस्ट कहने का मतलब हुआ मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, करेक्ट? और डब्ल्यू का मीन हुआ इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम मतलब सूर्यास्त का समय और सूर्य निकलने का समय, करेक्ट? ये बात समझ में आई बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा आपको, 41 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, हैशटैग सन का लेफ्ट या राइट करना है, आपको फेस की डायरेक्शन मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। इसके बाद सन का लेफ्ट राइट कर लेंगे, सन का मतलब हुआ ईस्ट या वेस्ट में, ठीक है, और ईस्ट का मॉर्निंग टाइम का मतलब हुआ ईस्ट, इवनिंग टाइम का मतलब हुआ वेस्ट, करेक्ट? इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है उसी क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या, इन मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम ईस्ट का, हाँ चलिए तो देखिए ईस्ट का, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
क्वेश्चन को आप करिए यहाँ पे सॉल्व। चलो सॉल्व करो, देखिए क्या लिखा है, इन मॉर्निंग है सुबह का टाइम, तो देखिए सुबह का टाइम ना, सन का लेफ्ट राइट मतलब इवनिंग मतलब ई मॉर्निंग का टाइम है, अब क्या करेंगे ईस्ट का लेफ्ट या राइट है, करेक्ट ईस्ट का लेफ्ट करना या राइट करना है। देखिए वहां पे क्या दिया गया है, परछाई के पास जाइए, परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, मतलब क्या करना है ईस्ट का लेफ्ट करना है। हाँ ईस्ट का लेफ्ट करेंगे तो आपका फेस निकलेगा, और ये फेस पता है किसका निकलेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये फेस उस व्यक्ति का निकलेगा, ये फेस उस व्यक्ति का निकलेगा जिसके पास में एग्जैक्टली वो परछाई बन रही है, जिसके पास बने ठीक है, उसकी फेस की डायरेक्शन निकलेगी, करेक्ट। ये बात बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो बेटा आपको बिल्कुल याद में रखते हुए चलनी है। परछाई उसके निकलेगी जिसके पास होगी, या लेफ्ट या राइट मतलब कहने का मतलब लेफ्ट या राइट जिसके पास होगी उसी की परछाई की फेस निकलेगा, जिसके पास बने लेफ्ट राइट जिसके पास बने उसी के फेस की डायरेक्शन आपकी निकलेगी। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, ईस्ट का लेफ्ट। तो देखिए बेटा आप अभी आप ईस्ट में हैं, और ईस्ट का वन लेफ्ट बोलने का मतलब नॉर्मल 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे नॉर्थ। हाँ नॉर्थ, तो ईस्ट का वन लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ। और देखिए जो नॉर्थ दिखा ये किसकी डायरेक्शन निकली, किसके फेस की डायरेक्शन निकली, जिसके पास परछाई बन रही होगी। तो देखिए एग्जैक्टली परछाई किसके पास बन रही है, कविता फील्स एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। हाँ कहने का मतलब क्या हुआ, इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, रीता के ठीक बाईं ओर। तो ये जो फेस की डायरेक्शन निकली ये पता है किसकी निकली, ये निकली रीता की। हाँ ये निकली रीता की, और आपको ही पता है कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होकर ही तो बात करेगा आमने सामने। तो ये नॉर्थ निकली रीता की, तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि कविता की मुख की दिशा किधर होगी, तो जस्ट इसके अपोजिट तो रीता की नॉर्थ हो जाएगी, तो कविता की किधर हो जाएगी, कविता की हो जाएगी जस्ट इसके अपोजिट, कहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, जो कि करेक्ट। इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच था। फिर से रिपीट कर दें, मॉर्निंग का टाइम मतलब ईस्ट का लेफ्ट या राइट करना है, फेस की डायरेक्शन निकल आई, और फेस की डायरेक्शन उसकी निकलेगी जिसके पास परछाई बन रही हो लेफ्ट या राइट में, करेक्ट। जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बन रही हो उसी की परछाई का फेस निकलेगा, किसके लेफ्ट या राइट बन रही थी, वो भी लेफ्ट बन रही थी किसके, रीता के। तो ये फेस की डायरेक्शन कितनी, किसके निकली नॉर्थ, रीता की। और आपको ही पता है कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है आमने सामने तो जस्ट अपोजिट ही होगा, एक आगे एक पीछे बात कर लेना, चलो तो ये जस्ट अपोजिट। तो कविता की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, मुख की साउथ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो अमित का मुख किस दिशा में होगा। ये जो यहाँ पे हिज वर्ड आया है हाँ वो अमित के लिए ही है। अब देखते हैं इसमें इसको कैसे करें सॉल्व। सबसे पहले तो देखिए टाइम कौन सा है, तो आप कहेंगे इन मॉर्निंग मतलब सन का लेफ्ट या राइट फेस की डायरेक्शन आपको पता हो जाएगी, ठीक। टाइम क्या है आपका, मॉर्निंग का, ठीक। तो ईस्ट का राइट करेंगे ना, ईस्ट का लेफ्ट या राइट,
ईस्ट का, हाँ ईस्ट का क्या करें, लेफ्ट या राइट, क्या राइट, हाँ हिज राइट, ये जो हिज है ना, हिज ये किसके लिए आया है, ये हिज जो आया है वो अमित के लिए ही आया है। सबसे पहले देखते हैं किसके लिए हिज आया है, ये जो हिज रिपीट हुआ है अमित का ही, ठीक। चलो राइट हैंड में बन रही, तो ईस्ट का राइट लेंगे तो फेस की डायरेक्शन आपकी निकल आएगी। तो देखिए ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ईस्ट का जो राइट हो जाएगा वन राइट हो जाएगा ईस्ट का। हाँ देखिए ये आपका ईस्ट है, ईस्ट का राइट घूमेंगे साड़ी की सीधी दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में नॉर्मल राइट, तो कहाँ पे आ जाएंगे आप, साउथ में। कहाँ पे, तो फेस की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ साउथ। पर ये जो फेस की दिशा साउथ निकली है ना, ये फेस की दिशा जो साउथ निकली है ये उसकी निकली है जिसके एग्जैक्टली जिसके पास परछाई बन रही है। तो परछाई किसके पास बन रही है, देखिए फिर से पढ़िए। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। छोड़ो क्या बात कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाई ओर हो, उसके का मतलब हुआ हिज, हिज ये वर्ड जो आया है ये अमित के लिए ही आया है, क्या अमित के लिए, अमित की परछाई ठीक अमित के ही दाई ओर हो, मतलब राइट में हो, हाँ अमित की परछाई ठीक अमित के दाई ओर हो, तो अमित का मुख किस दिशा में होगा, अमित का ही पूछ लिया गया, तो कहाँ पे होगा बेटा, अमित का मुख साउथ में, ठीक साउथ, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हाँ आप कर पाए। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया ना, अमित का ही फेस पूछा गया था तो अमित का ही फेस क्या हो जाएगा, साउथ। फिर से रिपीट कर दें, ईस्ट मॉर्निंग का टाइम है इसलिए ईस्ट का क्या करना है, लेफ्ट या राइट, देखिए वहां पे लिखा राइट, राइट कर दिया तो फेस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो ईस्ट का वन राइट क्या होता है, ईस्ट से वन राइट घूम जाए साउथ में आ जाएंगे, और पूछ ये फेस उसका निकलेगा जिसके पास परछाई बन रही होगी, तो परछाई बन रही थी अमित के पास और फेस भी पूछा गया था अमित का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, और क्या पूछा गया देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, इन मॉर्निंग टू फ्रेंड सुमित एंड मोहित, हाँ इन मॉर्निंग टू फ्रेंड सुमित एंड मोहित वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, हाँ आमने सामने, टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फील्स एग्जैक्टली, सुमित ऐसा फील करता है कि उसका ये ऐसा प्रयास होता है कि उसकी जो परछाई है टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के राइट में है, देन विच डायरेक्शन वाज सुमित फेस, सुमित का फेस किस दिशा में है। चलिए भैया बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो क्या आपको सन का लेफ्ट राइट करना, सन का लेफ्ट या राइट, तो आपकी फेस की डायरेक्शन बहुत ही प्यारे तरीके से निकल के आ जाएगी। सन का लेफ्ट राइट करने का मतलब हुआ, सन का लेफ्ट या राइट करने का मतलब हुआ, टाइम देखिए कौन सा है, आप बोलेंगे मॉर्निंग टाइम, हाँ तो मतलब क्या ईस्ट का, हाँ ईस्ट का, ईस्ट का किसके एग्जैक्टली, वो भी राइट में, हाँ दाएं ईस्ट का राइट, तो आपकी फेस की डायरेक्शन निकल आएगी। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित, सुमित और मोहित भाई दो हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाई ओर हो, सुमित की जो परछाई है वह मोहित के ठीक दाई ओर हो, करेक्ट, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ईस्ट का वन राइट, ईस्ट का वन राइट बेटा आप घूमेंगे तो कहां पे आ जाएंगे आप, फाइनली साउथ में, ये बात समझ में आई। और ये जो साउथ फेस में डायरेक्शन है ये किसकी आई, जिसके पास एग्जैक्टली परछाई बन रही होगी, तो देखिए सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाई ओर हो, तो ये जो फेस की डायरेक्शन है ये किसकी किसका आया है, तो आप बोलेंगे ये तो फेस की डायरेक्शन आ गई मोहित की, करेक्ट। इसके बाद पूछा क्या गया है, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो जस्ट इसके अपोजिट, तो सुमित का मुख किस दिशा में हो जाएगा,
आप बोलेंगे सुमित का मुख हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट, तो साउथ के अपोजिट क्या होता है आप बोलेंगे नॉर्थ। हाँ नॉर्थ, नॉर्थ दिशा में फेस किसका हो जाएगा, ये नॉर्थ दिशा में फेस हो जाएगा बेटा जिसका पूछा गया है सुमित का, सुमित का। समझ में आई बात? हाँ कोई दिक्कत, आई होप मजा ही आया होगा करके। चलिए सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, करेक्ट, ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, तब आपसे दाईं ओर किसके है मोहित के, तो फेस की डायरेक्शन किसकी निकली मोहित की, क्या निकली साउथ। आपसे पूछा गया तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो भैया जस्ट इसके अपोजिट होगा ना, सुमित का मुख हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, सुमित का मुख हो जाएगा इसका नॉर्थ डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई किसी को, इस पॉइंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई, आई होप मजा ही आएगा करके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, देखिए 44 नंबर आपको क्या दिया गया है, हाँ 43 तक हो गया, 44 नंबर देखिए आपको क्या दिया गया है। देखिए इन इवनिंग, अब बेटा शाम की बात हो रही है, इवनिंग टाइम की, हाँ ये बात आपको बिल्कुल याद रख के चलनी है किस समय की बात हो रही है। देखो शाम की बात हो रही है ना, तो अब सन का सबसे पहले तो ये एज अ सेम आप लिखेंगे, सन का लेफ्ट या राइट आपको करना है। हाँ तो फेस की डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाएगी, क्या फेस की डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाएगी। इसके बाद टाइम देखिए, अब तक तो आप जितने क्वेश्चन किए वो बेटा क्या थे, मॉर्निंग से रिलेटेड, हाँ मॉर्निंग का टाइम था, पर अब देखिए जो टाइम है वह इवनिंग टाइम है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मॉर्निंग का मतलब था ईस्ट और इवनिंग का मतलब हो जाएगा वेस्ट, तो अब वेस्ट का, हाँ वेस्ट का, वेस्ट का लेफ्ट या राइट करेंगे। पर क्या करना है आपको, देखिए एक शाम दो दोस्त, हाँ दीपक और रोहन, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक, यदि यदि इस समय दीपक की परछाई, दीपक की जो परछाई है मोहन के ठीक दाईं ओर हो, मोहन के ठीक मतलब क्या करना है आपको, वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट करेंगे तो फेस की डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से फेस की डायरेक्शन आप फाइंड कीजिए, तो देखिए वेस्ट से वन राइट घूम जाइए, वेस्ट से वन राइट घूम जाएंगे आप आ जाएंगे नॉर्थ में, करेक्ट, तो ये फेस जो होगा नॉर्थ में निकलेगा, नॉर्थ में होगा, पर किसका फेस नॉर्थ में होगा, जिसके पास परछाई बन रही हो, जिसके पास परछाई बन रही हो, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तो मतलब रोहन के पास बन रही है, तो ये नॉर्थ में जिसका फेस होगा किसका होगा, रोहन का, किसका होगा बेटा रोहन का। और आपसे पूछा क्या गया है तब बताइए, रोहन का मुख किस दिशा में, बहुत बढ़िया रोहन का ही फेस पूछ लिया गया, तो कहां रोहन का फेस कहां है, नॉर्थ में, ये हो जाएगा आपका आंसर, हाँ नॉर्थ, आंसर नंबर ए आपका जो कि बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका 45 नंबर देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सबसे पहले तो आपका उसी कंसेप्ट पे है, तो सन का लेफ्ट या राइट करना पड़ेगा आपको, सन का लेफ्ट या राइट, इससे आपकी फेस की डायरेक्शन आपकी निकल आएगी। ये बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत, चलिए नहीं, तब आपको देखिए टाइम आपको क्या दिया गया, एक शाम वन मॉर्निंग, तो देखिए मॉर्निंग का मतलब होता था वन इवनिंग, सॉरी बेटा इवनिंग शाम का टाइम, मॉर्निंग का मतलब होता था ईस्ट और इवनिंग का मतलब हो जाए वेस्ट, हाँ तो अब आपको यहाँ पे वेस्ट का लेफ्ट या राइट करना है, हाँ करेक्ट, वेस्ट, वेस्ट का क्या करेंगे लेफ्ट, क्वेश्चन पढ़िए आपको पता चल जाएगा। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, दाईं ओर मतलब क्या करना है आपको, वेस्ट का राइट,
तब आपको फेस की डायरेक्शन निकल आएगी। तो पहले फेस की डायरेक्शन निकाल लें। देखिए वेस्ट का वन राइट, तो देखिए वेस्ट का वन राइट घूमेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, नॉर्थ में, करेक्ट। तो ये फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। और किसकी पूछी गई है, उसी के आ जाएगी भाई। हाँ तो गोपाल का मुख किस दिशा में है, गोपाल का मुख किस दिशा में, गोपाल का ही मुख किस दिशा में, तो ये नॉर्थ जो आया है बेटा, क्या आया, गोपाल। डाउट होगा गोपाल क्यों आया, अभी जस्ट आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए खंबे का पोल, पोल मतलब खंबा, खंबे का क्या हाथ होते हैं, लेफ्ट या राइट कोई हाथ होता है, नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ठीक उसके दाई ओर है, किसके दाई ओर है, हिज वर्ड जो यूज हुआ, किसके, गोपाल के ही दाई ओर हुआ, क्या ये जो हिज वर्ड यूज हुआ है बेटा आपका क्या है, गोपाल को ही संबोधित कर रहा है, गोपाल के लिए आया, करेक्ट। क्योंकि खंबे का तो आप भी जाते, पोल जो है उसका क्या लेफ्ट राइट होता है, नहीं ना, किसी व्यक्ति का ही भाई तो लेफ्ट राइट हाथ होगा, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, फाइनली पहुंचे कहां पे अभी तक आप, 46 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने का नजरिया पहले वही डाल लीजिए, उसी कंसेप्ट पे रिलेटेड है। अब देखिए एक सुबह, अब देखिए यहाँ पे देखिए टाइम पढ़ना भाई, पहले एक सुबह, सबसे पहले एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते थे, इसमें कन का लेफ्ट या राइट, इससे आपकी व्यक्ति की फेस की दिशा पता चल जाएगी, करेक्ट। इसके बाद टाइम देखिए क्या दिया गया है, वन मॉर्निंग मतलब इवनिंग, हाँ इवनिंग का नहीं था, अभी आपने ये इवनिंग वाले सॉल्व किए, फिर से आपका क्या हो गया, आ गया, अब आ गया आपका सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग कहने का मतलब ईस्ट का लेफ्ट या राइट करेंगे ना, ईस्ट, ईस्ट का क्या लेफ्ट या राइट। देखिए एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि समय सुमित की परछाई, यदि समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, आहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्वेश्चन को देखा ही नहीं और नजरिया वही लगा रहे थे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तो भाई बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही इजी भी है। देखो अब इसमें ये कुछ आपको करना ही नहीं है, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए उसमें तो फिर क्या करेंगे भाई, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है बताइए, ये आपका ऑप्शन का लेफ्ट राइट करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। अच्छा बताइए मुझे, यदि आप, आपकी परछाई, आपकी जो, अगर आप ऐसे खड़े हैं सीधे नॉर्मल, ठीक, अगर आपकी परछाई हम कहते हैं आपके पीछे बन रही है, तो रोशनी जो है वो कहाँ से आ रही, लाइट कहाँ से आ रही, कहेंगे आप मेरे जस्ट आगे से आ रही, करेक्ट। यदि आपकी परछाई इसी पोजिशन में खड़े रही है, यदि आपकी जो शैडो है हम कहते हैं कि आपके ही आगे अहेड बन रही है, ठीक है, बैक साइड में अब अहेड आगे बन रही है, तो जो रोशनी है लाइट है सन की वो कहाँ से आएगी, आप बोलेंगे पीछे से, करेक्ट। तो ये बस आपका पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक सुबह हाँ सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात क्या कर रहे थे ये भी आपको सुनना है, तो आंसर तो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई यदि इस समय जो बेटा सुमित इसकी देखो ये यदि इस समय जो आपका ये सुमित है, सुमित की जो शैडो है इसी के ठीक पीछे है, हाँ सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, हाँ बैक साइड, सुमित की परछाई भैया इसके ही बैक साइड है, हाँ बैक साइड। तब देखिए तब बताइए सुमित का मुख किस दिशा में होगा, सुमित का मुख किस दिशा में होगा, अब बताइए 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 बताइए, बहुत ही अच्छे थे। सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट पे आपके वो ध्यान दीजिए जो आपने क्या लिखा था, पहले स्लाइड पे जाइए, हाँ इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी आपने फर्स्ट वाला आपने देख लिया अच्छे से प्रॉपर तरीके से, अब बात आती है हैशटैग सेकंड नंबर पे, शैडो अगर, मैंने बताया था ना पॉइंट लिखा था, अगर शैडो आपकी आगे या पीछे बने, हाँ शैडो आपकी आगे या पीछे बने तो फेस की जो डायरेक्शन होगी वह आपकी ईस्ट या वेस्ट में होगी, करेक्ट। चलिए
ईस्ट या वेस्ट में होगी। इतना तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। चलिए हैशटैग सेकंड नंबर क्या लिखा था, यदि आपकी परछाई जो आपकी शैडो है, हाँ शैडो है, हाँ यह अगर शैडो आगे या पीछे हो, आगे या पीछे हो, तो आपकी फेस की डायरेक्शन, फेस की जो डायरेक्शन है वह कहाँ हो होनी चाहिए, ईस्ट या वेस्ट। ये तो लिखा है देखिए। अरे भैया फिर से नज़र मारिए ना, ये हाँ ईस्ट या वेस्ट करेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया, छोटे छोटे पॉइंटों पे आपको ध्यान देके चलना है वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आप आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आएंगे। आप देखिए, हाँ आप देखिए, आपको इसमें क्या कर सकते हैं, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। आप देखिए अगर मैं कह दूं, हाँ सुमित जो है, सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे है, ठीक सुमित के पीछे है, तो बताइए हाँ सुमित का फेस किस दिशा में होगा, तो आप बताएंगे। टाइम कौन सा है, टाइम भी तो आपको देखना है मॉर्निंग, और मॉर्निंग के टाइम जो आपका सन होता है वह निकलता है ईस्ट साइड से, करेक्ट। देखो फिर से इसको बता देते हैं, जो आपका सन है भैया, सन जो है आपका ईस्ट साइड से निकला, और ये सुमित, सुमित यहाँ पे खड़ा है बेचारा, ठीक है, इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है वो यहाँ पे बनी इसके जस्ट पीछे, हाँ शैडो इसके पीछे बनी, तो इसकी फेस की जो डायरेक्शन हो जाएगी, मैंने क्या कहा, इसकी जो फेस की डायरेक्शन हो जाएगी तो वह कहाँ पे होगी, तो आप बोलेंगे बहुत ही प्यार तरीके से ईस्ट, कहाँ पे ईस्ट, जो आपका आंसर करेक्ट है, और आंसर नंबर फोर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने सब लिखा था, बस आपको प्यार भरी नजरों से देखना था कैसे कर पाएंगे सॉल्व इसको। आप 47 नंबर देखते हैं क्या है आपका, वन इवनिंग, हाँ एक शाम, टाइम को भी याद रख के चलना है, एक शाम दीपक और रोहन कितने स्पीड में हो जाएगा देखना, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि यदि इस समय दीपक की परछाई, हाँ दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, टाइम कौन सा है, सबसे पहले तो आप टाइम लिख लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, इवनिंग का टाइम, और इवनिंग का टाइम जो है भैया, जब इवनिंग का टाइम होता है तो आपका जो सन होता है, सन किस दिशा से निकलता है, अस्त होता है ना इवनिंग टाइम में, हाँ शाम के समय में, कहाँ वेस्ट में, तब वेस्ट में इसकी डायरेक्शन होगी किसकी, सन की, करेक्ट। तब वो जो पर्सन है कौन कौन है, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई, दीपक भैया है यहाँ पे, कौन से दीपक जी हैं यहाँ पे, दीपक, इनकी जो परछाई बताई गई है, जो इनकी जो शैडो है वो कहा गया, इनके शैडो ठीक उसके आगे हो, तब ठीक उसके ही आगे हो, हाँ ठीक उसके ही आगे हो, तो आप बताइए क्या होगा, ठीक उसके मतलब अहेड आगे, तो जो इसका फेस है वह फेस किस दिशा में हो, तब बताइए दीपक का मुख किस दिशा में होगा, आप बताइए। टाइम कौन सा है, इवनिंग, और इवनिंग के टाइम जो आपका सन होता है वह वेस्ट डायरेक्शन में होता है, आप कहेंगे बिल्कुल ही करेक्ट सर, और जो दीपक भैया है वो थोड़ा मासूम से होके खड़े हैं क्योंकि वो काले ना हो जाएं, इस वजह से सिर झुकाए हुए खड़े हैं, तब पूछा गया है, तब बताइए, तब इनकी जो शैडो है वो उन्हीं के आगे ही बन रही है, तो सन कहाँ होगा, सन कहाँ होगा, जस्ट इनके पीछे, रोशनी कहाँ से आ रही होगी, इनके पीछे से, तभी तो इनकी शैडो आगे बन रही होगी, तो मतलब शैडो इनकी कहाँ बन रही है, तो आप बोलेंगे शैडो जस्ट इनके आगे मतलब कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी जो किया है करेक्ट। हाँ चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है जो कि अगली क्लास में मिलेंगे, और ये अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर की, उसमें सारा कुछ फिनिश कर देंगे, ठीक है, और चैप्टर हो जाएगा आपका बिल्कुल कंप्लीट, चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
और आप सभी लोग बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए, सीरियसली क्लासेस को देखना है, हाँ कट कर करके मत देखना, डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।